नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों, से बात करने जा रहे हैं बिजनेस में सफलता किसे मिलती है और कैसे मिलती है। आगे मैंने प्लस दोस्तों बता दो, सारे टेक्नोलॉजी बिजनेस मेकिंग एल्ड जहाँ चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी ने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो हमसे अपने बिजनेस की शुरुआत करने की बात करते हैं और वो घंटों प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं कि बस अगले महीने काम शुरू कर रहा हूँ। लेकिन 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 दोस्तों, जब आप 5 या 6 महीने बाद उनसे मिलते हैं तब भी यही पता चलता है कि वो अगले महीने से अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं। या आपके साथ भी ऐसा ही हो चुका है कि किसी बिजनेस आइडिया को लेकर बहुत सारे सपने देखे हों पर उसे हकीकत में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए हो। आज इस वीडियो में ही यही जानेंगे कि ऐसे क्यों होता है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से ये काम टलता ही रहता है और हम सालों के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, कई बार कुछ लोग एक एक बारीकी को समझकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। खास तौर से जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो चाहते हैं कि वो शुरू में ही अंत तक हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से करे और डिटेल्स में इतना अधिक घुस जाते हैं कि बस उसी में उलझ कर रह जाते हैं। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लें पर प्लानिंग और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए बेकार में परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान ज़्यादातर चीज़ें काम शुरू करने के बाद ही सीखता है, इसलिए किसी परफेक्ट प्लान का इंतज़ार मत कीजिए। बस एक सिंपल सा प्लान बनाकर काम को शुरू कीजिए, आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको उसको अच्छा करने के आइडिया आते रहते हैं, इसलिए पहले ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आगे तय होता है कि मौके और परिस्थितियों की वजह से आपको प्लान बदलना भी पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी बिजनेस को करने के लिए 1 साल की प्लानिंग की बजाय 1 महीने की प्लानिंग के साथ करें और आप फेल होने से मत डरें क्योंकि बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग अच्छी परिस्थिति का इंतज़ार करते रहते हैं। तो दोस्तों, कहीं आप बेकार के बहाने कर काम को टाल तो नहीं रहे हैं? अगर सच्ची ऐसा है तो खुद से एक सवाल पूछें कि क्या आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए ये सब करते हैं। यदि ऐसा है तो बिजनेस आइडिया को ड्रॉप करने में ही आपकी भलाई है। और अगर आप बिजनेस शुरू करने के लिए सच में सही मौके की तलाश में हैं तो दोस्तों वो सही अवसर कभी नहीं आएगा। इसलिए किसी मौके का इंतज़ार करना बेकार है। आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए भले ही वो शुरुआत छोटी सी क्यों ना हो। दोस्तों, कई बार कुछ लोग जो जेन्युइनली बिजनेस करना चाहते हैं वो छोटी मोटी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और अपनी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट कर देते हैं जहाँ नहीं करनी चाहिए। जैसा काम की शुरुआत में ही कुछ लोग उससे रिलेटेड वेबसाइट बना लेना चाहते हैं और उसी के लिए परेशान रहते हैं जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कंपनी का नाम शुरू कर लिया है और काम शुरू करने के लिए ये काफ़ी है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन की बिगिनिंग बहुत नॉर्मल होती है पर एक बार जब उनका काम चल पड़ता है तो वो अपना ब्रांड इस्टाब्लिश करते हैं। दोस्तों, काम की शुरुआत में इम्पोर्टेंट और नॉट सो इम्पोर्टेंट चीज़ों को छांट लेना चाहिए और अपना फोकस और एनर्जी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही लगानी चाहिए ताकि आप मार्केट में पकड़ बना सकें। तो दोस्तों, बहाने और प्लान बनाना छोड़िए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, बस एक शुरुआत कीजिए, बाकी समय और मार्केट आपको सब सिखा देंगे। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत करें और कामयाबी हासिल करें। बाकी सब जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।